भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैं प्रवक्ता निधि जैन DLED द्वितीय वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा हमारा विषय चल रहा है और इसी के अंतर्गत प्राचीन कालीन शिक्षा जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा हमारा टॉपिक है और हम पिछले वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताओं को देख चुके हैं। आज इस वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षा प्रणाली के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है गुरु शिष्य संबंध। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो गुरु शिष्य संबंध था बहुत ही स्नेहपूर्ण था। गुरु शिष्य का मानस पिता माना जाता था और वह शिष्य की पुत्रवत उसकी देखभाल करता था, मतलब उसे शिक्षण देने के साथ साथ उसके चारित्रिक विकास का भी ध्यान रखता था। और जो शिष्य होता था वह भी अपने गुरु को एक पिता की तरह सम्मान देता था, आदर देता था और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। उनके कामकाज में उनका हाथ बटाना, उनके पूजा पाठ होम आदि क्रियाओं के लिए व्यवस्था करना, ये सभी काम शिष्य करता था। तो इस तरह वैदिक काल में जो गुरु शिष्य का संबंध होता था वो एक पिता पुत्र की भांति होता था। अगला पॉइंट है अनुशासन व दंड। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो निष्पक्ष शिक्षा प्रणाली थी। इसमें सभी छात्रों से समान व्यवहार किया जाता था। किसी भी छात्र द्वारा दुर्व्यवहार करने पर या नियमों तोड़ने पर समान रूप से उनमें दंड की व्यवस्था सभी के लिए थी। किसी तरह से किसी से भी कोई भेदभाव वहाँ नहीं किया जाता था। लेकिन इसमें शारीरिक दंड की अपेक्षा आध्यात्मिक दंड का प्रावधान था। जैसे शारीरिक दंड ना देकर शिष्य को आध्यात्मिक दंड जैसे उपवास आदि के लिए कहना, अपनी उपस्थिति से दूर भेज देना आदि प्रावधान अपनाए जाते थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शारीरिक की अपेक्षा आध्यात्मिक दंड की व्यवस्था थी। परीक्षा प्रणाली अगला बिंदु है हमारा, परीक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी वो परीक्षा विहीन प्रणाली थी। इसमें मूल्यांकन जो छात्र का किया जाता था गुरु द्वारा प्रश्नों के माध्यम से या मौखिक आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता था। शिष्य को शिक्षा समाप्ति के पश्चात, यानी जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी 12 वर्ष की शिक्षा, उसके पश्चात विद्वानों की एक सभा बुलाई जाती थी और उस सभा में शिष्य को कुछ विद्वानों द्वारा प्रश्न किए जाते थे और उन प्रश्नों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता था। अर्थात इसमें वर्ष के अंत में या सत्र के अंत में मूल्यांकन नहीं होता था, शिक्षा समाप्ति के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाता था और एक पार्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता था, गुरु उसका शिष्य उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता था जब तक गुरु दूसरा पार्ट उसको नहीं पढ़ा। इस प्रकार गुरु अपने संतोष के आधार पर उसका मूल्यांकन करता रहता था। आखिरी पॉइंट है शिक्षा समाप्ति। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा में क्रियाओं का बहुत महत्व था, संस्कारों का बहुत महत्व था। बालक की हर क्रिया जो है वो संस्कारों के माध्यम से की जाती थी। जैसे उसका शिक्षा प्रारंभ होता था तो वो भी संस्कारों के माध्यम से किया जाता था। इस तरह जो मुख्य मुख्य उसकी जीवन की क्रियाएं रहती थी वो सारी संस्कारों के माध्यम से की जाती थी। तो जब बालक की शिक्षा समाप्त होती थी तो वह भी एक संस्कार के माध्यम से की जाती थी, जिसे समापवर्तन संस्कार कहा जाता था। समापवर्तन संस्कार अर्थात विद्या समाप्ति का संस्कार माना जाता है। इस संस्कार में जैसा कि हम जानते हैं कि 12 वर्ष का अध्ययन काल बालक का होता था, गुरुकुल में वह 12 वर्ष रहता था और उसके पश्चात उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी। गुरु के द्वारा उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था, उसे नए वस्त्र आदि पहनाकर उसको होम आदि क्रियाएं कर उसका संस्कार किया जाता था और उसे घर वापस भेजा जाता था।
यहाँ पर चूंकि गुरुकुल कालीन शिक्षा में जो शिक्षा प्रणाली थी वो निशुल्क थी, लेकिन फिर भी छात्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें गुरु को गुरु दक्षिणा के स्वरूप जो भी उसकी सामर्थ्य है, उसके अभिभावकों की सामर्थ्य है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा गुरु को देता था। इस संस्कार के द्वारा जो गुरु होता था वो उसकी शिक्षा समाप्ति के पश्चात उसको कुछ उपदेश देता था और उपदेशों के बाद उसको भविष्य में कुछ नियम के साथ, कुछ वचनों के साथ उसको घर वापस भेजता था और शिष्य उन वचनों का पालन करने का वचन देता था गुरु को और गुरु के चरण स्पर्श करके अपने घर की ओर प्रस्थान करता था। तो इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा में 12 वर्ष के पश्चात बालक की शिक्षा समाप्ति हो जाती और वह ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता था। इस तरह वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं जो थीं वो हमने आज देखी। अब अगली शिक्षा व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था है, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।